इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। धार की गुलमोहर कॉलोनी में 8 दिसंबर को हुई जाकिर हुसैन उर्फ भाई भीम की हत्या के मामले में पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा करते हुए भाजपा नेता और पूर्व पार्षद बाला बागवान सहित इस हत्याकांड में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भाई भीम की हत्या के मामले में पुलिस ने भाजपा के पूर्व पार्षद बाला बागवान को षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना 8 दिसंबर की शाम की है, जब शकील और जाफर नामक दो युवकों ने मोटरसाइकिल से आकर गुलमोहर कॉलोनी में जाकिर हुसैन उर्फ भाई भीम की 3 गोलियां दागकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। भाई भीम को मारने की प्लानिंग शकील और उसके साथियों ने बाला बागवान के बस स्टैंड स्थित गोडाउन पर बनाई थी। बाला बागवान ने शकील को भाई भीम की हत्या के बदले आर्थिक मदद देते हुए 50,000 रुपए दिए। वो बताया कि उसकी भी भाई से पुरानी दुश्मनी है और प्लाट का भी विवाद चल रहा है। शकील ने इस पूरे मामले में अपने भांजे अरबाज को भाई भीम की रेकी करने के लिए 15 दिन से ही लगा रखा था, जो कि उसकी लोकेशन लेता रहा। घटना वाले दिन भी काफी देर तक भाई भीम का इंतजार करते रहे। जब भाई भीम की लोकेशन नहीं मिली तो सभी आरोपियों ने उनके बेटे राजा की हत्या की साजिश रची, किंतु बाद में जैसे ही भाई भीम की लोकेशन मिली सभी लोग बाला बागवान सहित बाला बागवान के गोडाउन पर इकट्ठा हुए और वहीं से निकले और उसके बाद शाम को गुलमोहर कॉलोनी में जाकर बाहर टहल रहे भाई भीम के ऊपर गोलियां दागकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में शकील, अरशद, अरबाज और बाला बागवान को फिलहाल गिरफ्तार किया है, जबकि सद्दाम और जफर अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, मोबाइल, मोटरसाइकिल और लगभग 5,500 रुपए नगद बरामद किए। आज धार पुलिस सभागृह में 8 दिसंबर को जो घटना हुई थी गुलमोहर कॉलोनी में, जिसमें एक व्यक्ति भीम भाई नाम के व्यक्ति को दो लोगों ने मोटरसाइकिल पे आके गोली मारी थी और जिससे उनकी डेथ हो गई थी, उस पूरे प्रकरण में हमारी टीम, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार, सीएसपी देवेंद्र धुरवे, टीआई समीर पाटीदार और कोतवाली की पूरी टीम इसमें क्राइम की टीम के साथ काम कर रही थी, जिसमें पुलिस ने आज 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मेन अक्यूज्ड शकील, बाला, अरशद और अरबाज हैं और 2 आरोपी जाफर और सद्दाम अभी फरार हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मोटरसाइकिल और कुछ पैसे रिकवर किए हैं। सर, ये हत्या क्यों की गई और किस प्रकार से प्लान किया गया? देखिए, करीब 1 महीना पहले इनका झगड़ा हुआ था, शकील और भीम भाई का, उसके अलावा बाला बागवान और इनका जो पूरा ग्रुप है, जिसमें ये सभी आरोपी जिनका मैंने नाम बताया है, ये सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की, जिसमें हथियार खरीदने के पैसे बाला बागवान द्वारा दिए गए और प्लानिंग के तहत इन्होंने रेकी करके और 8 तारीख को ये घटना करी। सर, बाला ने किस प्रकार से पूरे प्रोग्राम में प्लानिंग की थी? देखिए, इनके पुराने झगड़े थे और पैसे से पूरे इस घटना को स्पॉन्सर करके और इन लोगों की लगातार जो है घटना से पहले और बाद में बात होती रही और इन लोगों ने पूरा प्लान करके बाला बागवान का जो एक गोडाउन है वहाँ पर ये प्लानिंग की गई और कई बार 3-4 दिन से लगातार रेकी करके इन्होंने फायरिंग की भी प्रैक्टिस की और उसके बाद ये घटना को 8 तारीख को अंजाम दिया। इसमें से कई आरोपी पूर्व में भी आरोपी? देखिए, कई लोगों का पूर्व में रिकॉर्ड है और शकील जो है वो लिस्टेड गुंडा है, जिसका घर भी पुलिस ने और प्रशासन की जो टीम है उन्होंने मिलकर तोड़वाया है। थैंक यू।